नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों जब भी हमारी जिंदगी में पैसे की समस्या आती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, और हमारी जिंदगी में अगर कर्ज की समस्या आ जाए तो दोस्तों समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों आप एक बात नहीं जानते हैं कि आप कर्ज कुछ ऐसे समय में, ऐसे दिनों में ले लेते हैं, या फिर आप कर्ज के पेपर में या लोन के पेपर में कुछ ऐसे समय में साइन कर देते हैं जो कर्ज जाने का नाम ही नहीं लेता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस समय में या किस कलर से आपको लोन के पेपर में या कर्ज के पेपर में साइन नहीं करना है और कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि इस समय में लिया गया कर्ज कभी भी जिंदगी से जाता नहीं है, बल्कि कर्ज की समस्या या पैसे की समस्या हमारी जिंदगी में और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो दोस्तों आज मैं इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों पहली बात कि अगर आप कभी भी कर्ज ले रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन कभी भी कर्ज नहीं लेना है। दोस्तों कर्ज कुछ भी हो सकता है, चाहे आप 100 रुपये भी उधार ले रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन कभी भी 100 रुपये या 50 रुपये या 10 रुपये भी कभी किसी से उधार में नहीं लेना है, क्योंकि इस दिन लिया हुआ कर्ज कर्ज को और बढ़ा देता है और ये जिंदगी में बढ़ता ही चला जाता है, कभी भी जाने का नाम नहीं लेता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, इस बात को हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्ज भी आपको शनिवार के दिन कभी भी नहीं लेना है। और दोस्तों शनिवार के दिन आपको कभी भी कर्ज के पेपर पर या फिर लोन के पेपर पर कभी भी आपको साइन नहीं करना है। इस दिन लिया हुआ कर्ज दोस्तों कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि कर्ज की समस्या को आपकी जिंदगी में ये और भी बढ़ाता चला जाएगा। यदि आप शनिवार के दिन कर्ज ले चुके हैं तो उसको खत्म करने के कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों ये जानकारी मिलने के बाद आप कभी भी अपनी जिंदगी में शनिवार के दिन कभी भी किसी से 100 रुपये, 50 रुपये या 10 रुपये भी उधार नहीं लेंगे। और दोस्तों हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि शनिवार के दिन लोन के पेपर पर या कर्ज के पेपर पर आपको साइन नहीं करना है। और साथ ही साथ दोस्तों मूलांक 8 वाले दिन, जैसे कि 8 तारीख को या फिर 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, दोस्तों ये मूलांक 8 कहलाते हैं। पहला मूलांक हो गया 8 यानी कि 8 तारीख को, 17 तारीख यानी कि 7 और 1 8, दूसरा तीसरा 26 तारीख को 6 2 8, ये मूलांक 8 बनते हैं। तो दोस्तों 8 मूलांक जो है, 8 अंक जो है, ये शनि का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस दिन दोस्तों इन तारीखों को आपको कभी भी लोन नहीं लेना है या फिर लोन के पेपर या कर्ज के पेपर पर आपको साइन नहीं करना है, क्योंकि शनिवार और ये मूलांक 8 वाले दिन लिया हुआ कर्ज जिंदगी में समस्याओं को बढ़ाता ही चला जाता है। यदि इस दिन आपने कभी भी कर्ज ले लिया तो ये कर्ज उतरने की बजाय आपकी जिंदगी में और बढ़ने लग जाएगा। आप शनिवार या मूलांक 8 वाले दिन कर्ज लेते हैं तो दोस्तों कर्ज उतरेगा कभी नहीं, बल्कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। और दोस्तों इन सबको उपाय, यदि आपने शनिवार या मूलांक 8 वाले दिन कर्ज ले लिया है तो इनसे मुक्ति के लिए आज मैं खास उपाय लेकर आपके लिए आया हूँ, जिसका प्रयोग करके आप बहुत जल्द कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों हमेशा हो सके तो कर्ज ना लें, कभी भी कर्ज ना लें, क्योंकि बुजुर्ग लोग ने कहा है कि बिना नमक के रोटी खा लेना, लेकिन कर्ज कभी नहीं लेना। और मजबूरी में कभी भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है, कर्ज आप ले रहे हैं तो दोस्तों कर्ज के पेपर या लोन के पेपर पर आपको ब्लैक पेन से कभी भी साइन नहीं करना है, क्योंकि काला रंग जो होता है ये शनि का रंग होता है, शनि का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये अंक सॉरी काला रंग ये भी आपको लोन से संबंधित या कर्ज से संबंधित समस्याओं को और भी जिंदगी में बढ़ा देगा। दोस्तों कभी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 दिन बुधवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 दिन अगर आप लोन लेते हैं या कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज लेते समय या फिर कर्ज के पेपर पर साइन करते वक्त आपको एक खास बात का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप कर्ज के पेपर में साइन कर रहे हैं या लोन के पेपर में साइन कर रहे हैं तो उस वक्त भगवान से मन ही मन ये प्रार्थना करते जाएं, हे प्रभु ये आपकी चीज है,
मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। और भगवान से ये भी बोलें कि हे प्रभु, धन भी आपका है और आप भी उनके हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने आप को और साथ में धन को भगवान जी को समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी जो धन की समस्याएं हैं, जो लोन या कर्ज आपने लिया है, ये बहुत आसानी से और बहुत ही जल्द चुक जाएगा और साथ में आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्ज में ऐसे फंसते हैं कि हम वहां से निकल ही नहीं पाते हैं। निकलना तो चाहते हैं लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है। साथ में मुकदमे वगैरह भी चालू हो जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी है तो दोस्तों, आज जो मैं उपाय लेकर आया हूँ, इसको आप भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस प्रयोग से आपको 100% इसमें सफलता मिलेगी और आप कर्ज से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक महाचमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जो कि 2 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़ तक का कर्ज भी हो तो ये उसे भी चुकाने की ताकत रखता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे सनातन धर्म में जो खास टोने टोटके उपाय, धन से संबंधित, कर्ज से संबंधित जो उपाय दिए गए हैं, इन सब की जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आपको भी ऐसी जानकारियों में रुचि है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिए। आपके एक शेयर से और लोगों को भी इसमें मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आपको करना यह है, सबसे पहले आप घर में किसी एकांत जगह में बैठ जाइए, जहां पे आपको कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, वहां बैठ जाइए। और साथ में एक हरे पान का पत्ता, दोस्तों पान का पत्ता एक खूबसूरत सा होना चाहिए, एकदम हरा पत्ता होना चाहिए, कहीं से कटा फटा ना हो, पीला ना हो, एकदम फ्रेश पत्ता आपको चाहिए। फ्रेश पत्ता आप ले आएंगे, थोड़ा हरा कलर, अच्छा गहरा हरा कलर होना चाहिए उसमें, रंग उसका गहरा होना चाहिए और कहीं से कटा फटा ना हो, एकदम फ्रेश न्यू खूबसूरत सा पत्ता आप ले लेंगे। उसको अपने सामने रखेंगे। सामने रखने के बाद में उसमें 2 फूल वाली लौंग, लौंग भी दोस्तों आपको साबुत लेनी है जिसमें फूल गिरा ना हो, फूल उसमें लगा हो। साथ में 2 इलायची, इलायची भी दोस्तों आपको ऐसी लेनी है जो एकदम हरी हो। इलायची को आप तोड़ के उसके दाने भी डाल सकते हैं या आप साबुत इलायची भी रख सकते हैं। अब दोस्तों, इन सब चीजों को, पान को आपको मोड़ के इसका एक आपको बीड़ा बना लेना है। जैसे कि पान जो होता है, हम जो पान खाते हैं बीड़ा बना होता है, ये बीड़ा आपको बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों, आपको सूरज ढलने के बाद शाम के समय आपको नहा लेना है, नहा के स्वच्छ हो जाना है। स्वच्छ होने के बाद में आपको स्वच्छ कपड़े पहन लेना है। स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद में आपको आसपास कहीं भी हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद में वहां पे हनुमान जी के सामने सबसे पहले इस बीड़ा को आप उनके चरणों में अर्पित कर देंगे। अर्पित करने के बाद में आपको 108 बार आपको 108 बार श्री राम श्री राम ये आपको जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद में आप श्री हनुमान जी से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी आपकी कर्ज से संबंधित परेशानी है उसे प्रभु दूर करें। दोस्तों, ये उपाय आपको सिर्फ मंगलवार के दिन ही करना है, मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है। और दोस्तों, ये उपाय आपको 3 महीने तक लगातार करना है। ये उपाय आपको पान के बीड़ा चढ़ाना है और श्री राम नाम का जाप करना है और प्रार्थना करनी है। दोस्तों, ये उपाय आपको 3 महीने तक लगातार करना है। और अगर यदि किसी कारणवश से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर का कोई सदस्य, उसको आप भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घर का जो मुखिया है वो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, या जिसने कर्ज लिया है वो खुद जाए तो और अच्छा है। लेकिन किसी कारणवश से वो नहीं जा पा रहा है तो किसी सदस्य को घर के उसे भेज सकते हैं। इस प्रयोग को करने के बाद में दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि अगर आपको कर्ज से मुक्ति के कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे, 3 महीने के अंदर ही, 3 महीने पूरे होने से पहले ही आपके सामने ऐसे रास्ते आ जाएंगे कि कर्ज से आप बहुत जल्दी आजाद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी में बहुत ही ताकत है और कलयुग में हनुमान जी को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, जो साक्षात प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी को कहा गया है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताद तुम पाही। हनुमान जी के लिए इस दुनिया में कोई भी कार्य कठिन नहीं है,
मंगलवार का दिन है दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। साथ ही पाल का बीड़ा जो है हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है, और यदि मंगलवार के दिन सांझ के समय, संध्या के समय उनको पान का बीड़ा अर्पित किया जाए तो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। और मंगलवार के दिन दोस्तों कर्ज से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वो भी बहुत जल्द दूर हो जाती है। दोस्तों आज का प्रयोग बहुत ही खास है, बहुत ही शक्तिशाली है। अगर कर्ज से संबंधित आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं भी है, या आपकी कोई और इच्छा है या कोई और मनोकामना है, तो वो भी आप इसी प्रयोग के द्वारा हनुमान जी के सामने पान का बीड़ा चढ़ा करके, मंगलवार के दिन पान का बीड़ा चढ़ा करके हनुमान जी से अपनी इच्छा को बोल सकते हैं और साथ ही अपनी हर परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता हैं, इनसे की गई हर प्रार्थना जरूर पूरी होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, बीड़ा चढ़ाने के बाद में आपको 108 बार श्री राम नाम का जाप जरूर करना है, क्योंकि बिना राम नाम के हनुमान जी कभी भी कोई प्रार्थना नहीं सुनते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले श्री 108 बार श्री हनुमान जी का नाम जरूर लें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे।